हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 17 सितंबर ट्यूसडे और अभी बज रहे सुबह के 9:30। और ट्यूसडे हाँ, तो मैं लगी अपने काम में। आज लगभग 3 दिन बाद धूप निकला है तो बहुत कपड़ा जम गया है। मैं दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैंने ये दोनों को बाहर रखा है। जो गद्दा है ना, इस रूम में था, तो इस रूम में था, तो इस रूम में जो मैंने दिखाया था, ये जो पूरा डैम हो गया है, यहाँ जितने भी कपड़े थे सब भींग गए हैं दीवार की वजह से। दीवार में डैम आ गया है। तो जो गद्दा था, जो कपड़ा था, सब मैंने यहाँ बाहर कर दिया है। तो ये दोनों जो है ये, और घर की वो जो अंदर में जो दीवार में दीवार अलमारी में जितना भी कपड़े थे फोल्ड किया हुआ, सब इस साइड से थोड़ा भींगा भींगा है, तो मैंने सबको यहाँ दे दिया है, सूख जाएगा। और वो जो हम लोग रेगुलर कपड़े हैं वो भी बरसात की वजह से सब ठंडा ठंडा हो गया है, मैंने दे दिया है। यहाँ कुछ दिया है, अच्छा इधर भी कुछ दिया है, मतलब सारा जगह कपड़ा कपड़ा है। और मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा जो बेडरूम है, बेडरूम में जो गद्दी तकिया सब ऊपर चला गया है, सब ऊपर भेज दिया है मैंने। ये जो बेड है ना, मैंने उधर कोना में सटा दिया है, क्योंकि साबी अभी बहुत एक्टिव है, वो मतलब रोलिंग कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह चल जा रही है, तो मैंने उसको घिसका लिया है। और ये जो फाका एरिया है ना, यहाँ पर मैं अमेजन में एक बेड जेल ऑर्डर किया है, वही जब आएगा 2-3 दिन बाद आएगा तो मैं वो यहाँ दे दूँगी। अब पता नहीं कैसा काम होगा, हो पाएगा या नहीं। आज मैंने अभी तक खाना वाना नहीं पकाया है क्योंकि टाइम नहीं मिला। सुबह से कपड़ा करते करते ना पूरा टाइम नहीं निकल गया है। अब मैं दिखाती हूँ छत पे क्या हाल है मेरा, कपड़े से पूरा भरा है। ये जो है पूरा कपड़ा भरा हुआ है एकदम से, कहीं भी जगह नहीं है, पूरा तार भरा हुआ है। और ये ना मैंने अमेजोन से लिया था तो अभी काम आ गया। व्हाट आर डूइंग प्लेइंग व्हाट आर डूइंग चुटकी शी इज ऑलरेडी प्लेइंग लाइक मी शी आल्सो प्लेइंग विद यू व्हाट हैपेंड अब क्या है ना, अगर मैं खाना वाना पकाऊंगी तो सावी को यहाँ मैं छोड़ के किचन रूम जाना ना कर सकती हूँ, उतना डर नहीं रहेगा। क्योंकि अंदर में जब सोती थी बेडरूम में, तो मैं मतलब 1 घंटे में 30 से 40 बार मेरा जाना आना हो जाता था, यही करते करते मेरा पैर दुख जाता था, उसको गिरने का बहुत डर था। तो अब वो डर नहीं रहेगा, जब सोएगी तो मैं बाहर यहाँ सुला के अपना काम किचन रूम में करती रहूँगी। और बेड भी थोड़ा हटा दिया है, लगे प्रॉब्लम को कोई बात नहीं है। ए जे कुकु नहीं तुम्हें आवार तुम्हें तो सावी तुम्हें नानी बेटी आवार मम्मा तुम्हें मम्मा तुम्हें मम्मा तो इधर मैं कपड़ा ऑर्गेनाइज कर रही थी, लेकिन सावी रो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाफ कपड़ा मैं छत से ले आई हूँ, अभी भी बाकी है। और इधर मैं दिखाती हूँ, ये जो आलू भाजी बना रही थी ना, ये जल गया है क्योंकि मैं छत पे चली गई थी कपड़ा लाने में, लेट हो गया, बहुत ज्यादा कपड़ा था तो ये जल गया है। दाल हो चुका है, राइस भी हो चुका है, और इधर ये सावी रो रही है। तो ये रो रही थी इसलिए मैं ठीक से काम नहीं कर पाई, सब हाफ 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 फैला हुआ है, सब फैला हुआ है। छत में अभी भी कपड़ा बाकी है बहुत। अभी मैं जाऊंगी सावी को नहलाने, दोनों को नहलाने, फिर खुद नहा लूंगी, और उसके बाद हम लोग लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेंगे,
आज विश्वकर्मा पूजा है ना, तो यहाँ पर बहुत पतंग उड़ता है, हर जगह ही उड़ता है। तो सबको माइक वाइक ला के सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जल्दी से आपको नहला के खाना वाना खिला के, क्योंकि हम लोग छत में भी कुछ कुछ आएंगे जामत लोग, जो वो लोग हर साल ही आते हैं, जान पहचान के हैं, शान भी आएगा शायद। तो सब लोग सबको मिल के गुड्डी उड़ाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं जल्दी से उसको नहला के खाना वाना खिला के थोड़ा उसको सुला के, अगर वो लोग चले आए तो फिर उसको भेज दूँगी, अगर नहीं आए तो थोड़ा सुला दूँगी ताकि वेस्ट हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ, हम तीनों नहाने। सावी अभी बज गए 4:45, लेकिन मेरा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हुआ है सब ऐसे ही फैला हुआ है। आपको मैंने सुना दिया था, लेकिन पास में इतना माइक का आवाज़ है ना, उठ गया। और साबी थोड़ी देर के लिए सोई थी, उठ गई तो मेरा कुछ काम नहीं हुआ। तो अभी साबी के पापा साबी को लेके छत पे हैं, और भी बहुत जन आया है, अहद भी उठ गया है, सब छत पे हैं, गुड्डू उड़ा रहे हैं। और मैं इधर, मुझे टाइम मिल गया तो मैं जल्दी इन सबको साफ़ कर लूँगी, और मैं भी थोड़ा ऊपर जाके देखूँगी गुड्डी। मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं जल्दी से काम कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो इधर मैंने सबके लिए थोड़ा सा कॉफी बनाया था और थोड़ा सा स्नैक्स दिया था। अभी बज गया रात के 9, आज को लग गया है भूख, तो हम लोग अभी डिनर कर लेंगे। तो ये मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ में है सुबह का जला हुआ आलू भाजी। मैं यहाँ से आज को अच्छा मतलब निकाल के दूंगी। और ये है मतलब टॉक दाल, मतलब कच्चा आम का दाल, ये कल का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं आज इसे खाऊंगी। और ये सुबह का कुछ है तो ये सब मैं खाऊंगी, ये दोनों मैं खाऊंगी, ये आहत को नहीं दूंगी क्योंकि दोनों ही बासी है। ये और ये फ्रेश है, ये मैं आहत को दूंगी। और मैंने ये रहा भिंडी भाजी, ये भी मैंने बनाया था आज ही, तो आहत नहीं खाता है, मैं ही खाऊंगी, मुझे खट्टा डालकर बहुत अच्छा लगता है। और इधर और भी सामान है यहाँ बैग में, पूरा भरा पड़ा है, इसको मैं खाना खाने के बाद सब सेट करूँगी जहाँ जो रखना था। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आज इतना कपड़ा था ना, मैं टाइम नहीं मिला कि मैं रख पाऊँ, तो अभी रात में रखूँगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो है ना यहाँ चावल में ये क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं पोका, इंग्लिश में इंसेक्ट्स, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पिल्लू शायद, जो भी हो। तो ये हो गया है, मुझे ये चावल में लेती हूँ, रख देती हूँ, थोड़ा मतलब खीर होगा या फिर पुलाव हो गया ये सब के लिए, तो मुझे 1 किलो मेरे 2-3 महीना 3-4 महीने के लिए रख देती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब ये जो इसमें पिल्लू हो गया ना, तो ये मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। और अभी जैसे कि बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो मैंने सिनेमन स्टिक भी ऑर्डर किया था तो उसमें भी सब फंगस जैसा आ गया है, तो मैंने उसको पैकेट से निकाल के रखा है जी। तो ये मैंने चेंज मतलब कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ले जाते रहते, मैंने यूज़ ही कर लिया। और ये सब में अभी बरसात की वजह से शायद सब फंगस टाइप का हो गया, सब को मुझे फेंकना है। ये फिलहाल मैं अभी चेंज करूँगी, तो हम लोग कर लेते हैं डिनर, फिर डिनर करने के बाद मिलेंगे। राइस बहुत बच गया है क्योंकि शान आने वाला था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही राइस लिया था,
लेकिन वो आया नहीं, तो बहुत ज़्यादा राइस बच गया है, ये कल तक हो जाएगा। अभी बज रहा है 1:15 और एज है अभी भी जागी हुई है, क्योंकि शाम को 2 वर्ष हुई है ये, आज 1 वर्ष होती थी, आज 2 वर्ष हुई है, और नींद से उठी है 11 बजे, ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। अहद सो गया है, वो बहुत टायर्ड था, ऊपर जगह गुड्डी उड़ा रहा था और दोपहर में सोया भी नहीं, लेकिन एज है बुढ़ी। ए सावी, लेट्स गो स्लीप, चलो चलो। इसको अभी कुछ नींद वींद आँख में नहीं है, पता नहीं कितने बजे सोएगी, और इसके चक्कर में मुझे भी जागना पड़ेगा। बोधुनी गुगुनी, ए गगने गुगी गुगी, हैं 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 तो आज का ब्लॉग यहीं तक। गुड नाइट एवरीवन।